जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले उमर खालिद के दोस्त से हुई पूछताछ, उमर की कॉल डिटेल से चौंकाने वाला खुलासा, एक हफ्ते में 800 से ज्यादा कॉल कश्मीर, बांग्लादेश और खाड़ी के देशों में किए गए। पीएम मोदी से मिले नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी की मुलाकात, हाइड्रो पावर समेत कई प्रोजेक्ट्स पर होंगे करार। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जन अधिकार पार्टी का बिहार बंद, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, पटना में सड़क जाम करने के बाद आगजनी, कई जगहों पर रोकी ट्रेन। ग्वालियर में महिला टीचर का टॉर्चर, सातवीं क्लास के बच्चे की आंख की रोशनी गई, पेन फेंक कर मारने का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में शिक्षा विभाग के दावों की खुली पोल, कई जगह सरेआम नकल के मामले, आज का एजेंडा में दिखाएंगे नकल के पीछे का खेल। सस्ते फोन का दावा करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स पर आयकर विभाग ने कसा शिकंजा, शुरू की जांच, कल नोएडा में कंपनी के ऑफिस पर की थी छापेमारी, जब्त किए थे अहम दस्तावेज। जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए क्या है तरीके, जानने के लिए देखिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो आज शाम 7:30 बजे।